सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। खरगोन जिले में मंडलेश्वर क्षेत्र के जलूत में करेत प्रजापति का सफेद सांप मिला है, जिससे कि हड़कंप मचा। वही ग्रामीणों की सूचना पर थैंक यू नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू करके इस सांप को वन विभाग को सौंप दिया है, कब्जे में भी लिया। बताया जा रहा है कि मंडलेश्वर क्षेत्र में प्रजाति का यह सांप दूसरी बार मिला है। भारत में यह तीसरा करेत प्रजाति का सांप है। बता दें, पंकज सिंह सोलंकी ने मंडलेश्वर की वन्य प्रणाली संरक्षक संस्था थैंक यू नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों को सूचना दी कि राम मंदिर परिसर में सफेद सांप निकला है। इस दौरान संस्था के सदस्य तुरंत पहुंचे हैं और उन्होंने रेस्क्यू किया है। नशा मुक्ति अभियान में आबकारी व पुलिस की अवैध मदिरा के अड्डों पर संयुक्त कार्रवाई, 13 प्रकरण दर्ज। प्रदेश में जारी नशा मुक्ति अभियान के मद्देनजर खरगोन जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध विशेष मुहिम के तहत समस्त व्रतों के आबकारी बल, रिजर्व पुलिस बल व थाना महेश्वर पुलिस बल के द्वारा संयुक्त रूप से वसंत कुमार बीटे सहायक जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में बुधवार कसरावत के संवेदनशील ग्राम भीलगांव, मिर्जापुर, अहिल्यापुरा व डेढ़गांव में अवैध मदिरा निर्माण के चिन्हित स्थलों पर दबिश दी गई है। संयुक्त दल द्वारा उक्त स्थलों की सघन तलाशी ली गई है और अवैध मदिरा बरामदगी पर वृत्त प्रभारी देवराज नगीना आबकारी उप निरीक्षक द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा प्रकरण दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्यवाही में कुल 320 लीटर हाथ भट्टी मदरा, 9 लीटर देशी मदरा जब्त की गई है। 14,500 किलोग्राम महुआ लहान मौके पर विधिवत नष्ट कर दिया गया है। उक्त मदरा व लहान का मूल्य 7,65,000 रुपए है। महिलाओं के लिए सबसे खास त्यौहार में माना जाने वाला करवा चौथ 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसके चलते बाजार में खासी चहल पहल देखी जा रही है। इस दिन विवाहित महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा चौथ के व्रत के लिए बाजार पूरी तरह तैयार हो गया है। महिलाओं ने बाजार जाकर पूजा पाठ और श्रृंगार के सामान खरीदारी शुरू कर दी है। व्रत की तैयारी के लिए शहर में सब्जी मंडी, टाउन हॉल परिसर के पास से लेकर सराफा बाजार तक दिन भर महिलाओं की चहल पहल देखी जा रही है। बाजार में कोई महिला पूजा पाठ के लिए करवा सीख और करवा चौथ व्रत तथा कैलेंडर खरीद रही, तो कोई श्रृंगार के लिए साड़ी व सामान खरीदने में व्यस्त रही है। करवा चौथ का व्रत करने के लिए महिलाएं उत्सुक दिखाई दे रही थी।